हेलो सब लोगों को अंदर के सही आना है प्लीज। गोविंदा पता आ रहे हैं उसको दे दे। रास्ता क्लियर कीजिए सब लोग। वैभव सिंह युवा मोर्चा सचिव, इनका धन्यवाद कहना चाहते हैं। विपिन मेहता, विपिन गुप्ता, इनका धन्यवाद कहना चाहते हैं। इनका बहुत सहयोग रहा है आज के कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये बहुत सुंदर हाथी गोलापाल की, हाथी गोलापाल की, हाथी गोलापाल की, बहुत अच्छे। और ये करेंगे हम दो मिनट में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में महाराष्ट्र में काफी धूम रहती है। उसी कड़ी में वसई विरार अंतर्गत इस वक्त हम खड़े हैं पंचवटी नाका पर। यहाँ पर वसई के सबसे बड़े गोविंदा पथक ने आज वसई की सबसे बड़ी दही हंडी को फोड़ा है। और अभी अभी ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। दोपहर को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चले प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें आयोजन इसका किया हुआ है। वसई युवा प्रतिष्ठान और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में इस दही हंडी का आयोजन किया गया था। काफी सारे यहाँ कार्यक्रम हुए और 4 से 5 घंटे चले कार्यक्रम के भी अभी अभी कार्यक्रम यहाँ समाप्त। देखिए इस कार्यक्रम को लेकर पूरी कार्यक्रम की झलकियाँ। मैडम, आज के कार्यक्रम की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने बैनर तले यह कार्यक्रम दिया है, इस कार्यक्रम में की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन मेहमान आने वाले हैं और कितने पथक ने रजिस्ट्रेशन दिया उसके बारे में? नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा पाटिल है। वसई युवा प्रतिष्ठान की मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 8 सालों से। और वसई युवा प्रतिष्ठान के बैनर के नीचे हम लोग हर साल वसई की मानाची दही हंडी का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। उसी तरह से ये साल भी हमारे वसई की मानाची दही हंडी का आयोजन किया गया है। पिछले 2 सालों कोविड के वजह से ये दही हंडी हम लोग नहीं कर पाए, इसके लिए इस साल हम लोग वसई युवा प्रतिष्ठान और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दोनों ने मिलके ये वसई युवा प्रतिष्ठान के मानाची दही हंडी का आयोजन किया हुआ है और ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर कौन कौन अतिथि आने वाले हैं, कितने पथक? इस कार्यक्रम में पिछले 8 दिनों में कम 35 पथकों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वो 35 पथक जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं, हमारी वसईची मानाची दही हंडी को अपनी सलामी देने वाले हैं। और लास्ट में 10 से 10:30 बजे के दौरान जो पथक सबसे ज्यादा बड़ी सलामी देगा उसको हम लोग अपनी वसईची मानाची दही हंडी का फोड़ने का मान देने वाले हैं। क्या पुरस्कार राशि रहेगी? पुरस्कार राशि ऐसे है कि जो भी कोई आता है वो हमारे अपनी तरफ से जो पुरस्कार देता है वो अलग से है, लेकिन एक स्पेशल हमारी चीज है कि वसईची मानाची दही हंडी की एक ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी पिछले 10 सालों से हम लोग दही हंडी पथकों को देते हैं। तो सब पथकों का कहना ये होता है कि राशि का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये ट्रॉफी जो है वो उनको चाहिए रहती है। अभय सर, आज के इस कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी आप अपनी तरफ से दीजिए। क्या? नमस्कार, मेरा नाम अभय कक्कड़, भारतीय जनता युवा मोर्चा वसविरा जिला अध्यक्ष। पिछले 2 साल में कोविड के कारण दयांडी का महोत्सव बनाया नहीं गया था। इस साल बड़े धूमधाम से वसई युवा प्रतिष्ठान और भारतीय जनता युवा मोर्चा कल बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दयांडी जो महोत्सव है उसको बड़े धूमधाम से बनाया जाए, इसके लिए जाहिर छुट्टी भी दी है आज। और हर साल की तरह इस साल ये 11वां साल है, बड़े धूमधाम से वसई युवा प्रतिष्ठान और युवा मोर्चा मिलकर बड़े धूमधाम से दयांडी साजरा करेंगे। 2 सालों में जो मिस हुआ उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम का कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। दयांडी का महोत्सव और हिंदू धर्म का जो भी महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसके लिए सभी को या वसई विरार के नागरिकों को दयांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। बारोट सर क्या कहेंगे आज ये दहीहंडी उत्सव जो है उसको अब धूमधाम से मनाएंगे आज, क्योंकि 2 साल से कोरोना में तो कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है हम पूरी हमारी सब हिंदुओं से, आप भी मतलब ऐसा मत सोचना कि फिर हिंदू बोल रहा है तो फिर आप कहीं दूसरा मतलब मत निकालना, लेकिन जो हिंदू धर्म का जो त्यौहार है उसको धामधूम से मनाया जाए। सर सांगा आज का तुम्ही आले काय भोपाळ कला उत्सवाच्या सर्व वसईकरांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि हा कार्यक्रमाचं आयोजन अभय कक्कड आणि अपर्णा पाटील यांनी सुंदर असं आयोजन केलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आणि त्यांना जिल्ह्याकडनं शुभेच्छा अभिनंदन धन्यवाद। गोविंदा पथक इथे आपली सलामी देत आहे आपल्या वसईच्या मालाच्या दहीहंडीला। छोटी शकुलीवरती चढलेली आहे, सुंदर असा ड्रॉइंग केस दिलेला आहे तिने आमच्या दहीहंडीला। खर्चा हुआ इतना तो द नॉन पर्सन है यहाँ पे, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि रीता जी को पहचानता नहीं, मेरी माँ ही है, हरदम मेरे साथ रहती है। तो आज वसई युवा प्रतिष्ठान की ओर से रीता जी को भी थैंक्स हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं उनको बोलूंगी कि आज जो हमारे यहाँ पे गेस्ट अवेलेबल है उनको फेलिसिटेट करें। एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाइए प्लीज। अप्पा आणि शितीजदा तुमको आमच्या वसई युवा प्रतिष्ठान तर्फे हार्दिक स्वागत, बहुजन स्वागत, त्यांचं अभिनंदन करते। छोटा बाल झपा जो वरती गेलेला आहे, छान अशी सुंदर सलामी आहे, सगळ्यांनी ताळ्या वाजवून त्यांना प्रोत्साहन करायचं आहे। वसई की जनता ट्रॅफिक को चेक करते हुए जी। अच्छा इसके पश्चात होगा वसईचा महाराजा, ये हमारे बीच सलामी देंगे, इनकी सलामी के पश्चात होगा सोनूज डांस अकेडमी की तरफ से एक डांस परफॉर्मेंस आपके लिए। नाचना और गाना शुरू रहेगा। आपका मनोरंजन करते रहेंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजानी है। सुंदर ये बहुत अच्छी सी सफेद जनाब महिला गोविंदा पथकाला आमच्या वसई युवा प्रतिष्ठान आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजित वसईतील मानाच्या दहीहंडीला सलामी देण्यासाठी आलेले आहात, तुम्हाला आमच्याकडून मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। सुंदर अशी सलामी दिलेली आहे, छोटी गोपिकांनी वरती जाण्याची सुरुवात केलेली आहे, सुंदर सुंदर अशी सलामी।
सर्वांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यायचंय, टाळ्या वाजवायचे. रणरागिणी महिला गोविंद पथक, बेटी किसी से कम नहीं. बस यही पे देखने मिल रहा है हमें, और ये बहुत ही कम मेंबर्स में उन्होंने किया हुआ है. हम स्वागत करते हैं वसई युवा प्रतिष्ठान आयोजित वसई च्या मानद दयंगी मध्ये अप्पांचे, क्षितिज दादांचे, मानकर दादांचे, वनमाई काकांचे, जाधव काकांचे, सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आमच्या वसई युवा प्रतिष्ठान आयोजित मानाच्या दहीहंडीला. आपल्या उपस्थिती दिल्याबद्दल अप्पा तुमचे अभिनंदन. थैंक यू वेरी मच सर. बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द लीडर्स ऑफ बहुजन विकास आघाड़ी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारी लीडर्स के लिए. एक पतंग रेडी है आप प्रत्येक बार. ओके शुरू कीजिए. यशोमती आपका मनोरंजन करते रहेंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजानी है. और ये बहुत अच्छी सी सफेद जमात युवा प्रतिष्ठान जो है पिछले 11 साल से वैसे युवा प्रतिष्ठान यहां पर दहीहंडी उत्सव कर रहे हैं. लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हम 2 साल आपसे मिल नहीं सके. शिव भाई गोविंद पथक यांनी आपल्या वसईच्या मानाच्या दहीहंडीला सलामी देण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. इसके बाद होने वाला है चक्री सलामी. चक्री सलामी, इस सलामी के पश्चात आपके सामने एक चक्री सलामी होने वाला है. आप सभी लोगों को तैयार रहे परफॉर्मेंस देखने के लिए, और परफॉर्मेंस के पश्चात आपकी तालियां जरूरी है. अच्छा यहाँ पर स्टेज पे खड़े सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज को वेकेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर में मनोरंजन के लिए बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेज होंगे. शिवसाई गोविंद पथक यांनी आपल्या 5 थराची सुंदर अशी सलामी दिलेली आहे आपल्या वसईच्या मान. छोटा साई पथक भी यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच. ये मजे जो है हम लोग सिर्फ ये पंचवटी नाका पे ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है
पिछले 11 सालों से वसई युवा प्रतिष्ठान और हर साल आपको अपने दही हंडी का आई भारुंडा गोविंदा युवा पथक फूलपाड़ा डोंगरी यांनी आपल्या वसईच्या मानाच्या दही हंडीला आपली सलामी देण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे। आई भारुंडा गोविंदा पथकाचे हार्दिक असे स्वागत अध्यक्ष है। उन्होंने ये बाल गोविंदा पथक को रेडी किया हुआ है, तो अभय जी आपका ओ कोशिश जारी रखे। इनका धन्यवाद कहना चाहते हैं, विपिन मेहता विपिन गुप्ता इनका धन्यवाद कहना चाहते हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है आज के कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये बहुत सुंदर हाथी गोला बाल की, हाथी गोला बाल की, हाथी गोला बाल की, बहुत अच्छे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।